भाव जो आपको ऐसे नजर आते हैं वो कुछ इसी तरह से नजर आते हैं, देखो गौर से, ठीक है ना। आप एक्सरे के लिए यहाँ पे कोई नहीं, आप क्लास है केवल, बेसिक पर्सपेक्टिव है आपके एक्सरे स्टडी करने का, उसकी एक आउटलाइन है। इसमें कुछ मार्किंग्स मैंने कर दी है, उसको थोड़ा सा गौर से देखो मार्किंग्स मैंने किस तरह से की। पहले लंग्स बनाए, फिर हार्ट बनाया, फिर वर्टिकल कॉलम बनाई बीच में, और उसके बाद फिर जो शेडेड एरियाज हैं ये रिब्स, ईयर, ईयर हमेशा जो भी होगी ईयर कॉलम या ईयर जिस जिस हिस्से में होगी एक्सरे गुजरने के बाद वो सारे हिस्से ब्लैक हो जाएंगे। फैट जितना भी होगा और वाटर जितना भी होगा या वो हिस्से जिसमें वाटर कंटेंट या फिर ब्लड रिलेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा होंगे वो सारे हो जाएंगे। अब ये पूरा गेम जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट का है, आपको एनाटॉमी बतानी चाहिए और ये ब्लैक एंड व्हाइट बताने चाहिए आपको। अगर आपने इसमें कर लिया, अब इन बिटवीन देम कुछ ग्रे सब्सटेंस भी आएगा, उसको रिफ्लेक्शन दे पैड वाटर और मेटल सारे व्हाइट कलर में मिलेंगे आपको। जैसे हमारी बॉडी में मेटल कौन सा है सबसे यूज कंटेंट में, मेटल कौन सा है, एलिमेंटल, एलिमेंटल, एलिमेंटल मेटल कौन सा है, सोडियम सबसे ज्यादा, पोटेशियम पोटेशियम तो मर जाएगा मतलब ज्यादा होगा, सोडियम में तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एलिमेंट सबसे ज्यादा है, एक आयरन, दूसरा कैल्शियम, बस इसके बाद में सारे आते हैं। तो ये याद रखें कि मेटल वाटर ब्लड का कंपोनेंट कितना भी है प्लस बोन्स का कंपोनेंट कितना भी है ये सारे आपको व्हाइट में मिलेंगे। अगर एयर ब्लैक और व्हाइट के दरमियान जो होगा वो ग्रे मिलेगा, फैट मसल्स ये सारे हल्के ग्रेज मिलेंगे, क्योंकि इसमें कहीं कहीं जो है वो ईयर भी मिलेगी आपको या ऐसा कंपाउंड मिलेगा कि लिपिड सॉल्युबल पर वाटर का कॉम्बिनेशन हल्का सा लिपिड फॉस्फोलिपिड इसे अमूमन इसको बहुत माइनर अमाउंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक होगा बस अदरवाइज व्हाइट ही नजर आ जाए। समझ गया, एक्सरे अंडरस्टैंड कर लिया, देख लिया तुमने कि एक्सरे एक्सरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब आप जब अपना एक्सरे ऊपर से स्टडी करते हैं यहाँ पर आ जाओ, मेडल समझ में आ जाए। जब आप एक्सरे ऊपर से स्टडी करते हैं तो यही आउटलाइन जो इसके मेंशन हुई थी आपके पास, बैठो यही आउटलाइन जो ऊपर मेंशन हुई है इसी तरह का स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर में एनाटॉमिकली आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लंग्स का हिस्सा है, सही है। इसको बीच वाले हिस्से को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हार्ट का हिस्सा है, ये भी सामने ब्लैक शेडो आ रहा है, मतलब देखो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, सामने वाला भी ब्लैक है, तो ये ट्रेकिया का शेडो है, सही है। हार्ट के अगर पेरिकार्डियम यहाँ तक आ गया एंडो मतलब कार्डियम तो ये ऊपर का हिस्सा मीडियासिमम ये ग्रेट वेसल्स का ही है, दिस इज ग्रेट वेसल, ये सारी बोन्स है,
यहाँ पे ब्रेड वैसे कहाँ से आपने देखो ना, ये हार्ट यहाँ से, ये हार्ट बन गया जी, यहाँ खत्म हो जाता है हार्ट, ऊपर तक खुल जाता है कोनिकल हार्ट खुल गया। यस, हार्ट का एक लेवल है। अगर हार्ट हम इस पिक्चर में देखें, हार्ट को किस तरह से, ये वाला सेगमेंट हार्ट का है, इसके बाद वेसल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इस हार्ट है, समझ में आ गई बात आपको? अब पैथोलॉजीज देखेंगे, नॉर्मल से हट के जो भी चीज एबनॉर्मल होगी वो पैथोलॉजीज कहलाएगी। मिसाल के तौर पे इस हिस्से में एयर होनी चाहिए, मगर आप देखेंगे कुछ कुछ रीजन में व्हाइटिश शेडोज आ रहे हैं, ये व्हाइटिश शेडोज है, पैची पैची व्हाइटिश शेडोज है, पैची पैची व्हाइटिश शेडोज। ऐसा क्या हुआ कि फेफड़े के अंदर या लंग्स के अंदर ब्लैक शेडो होने की बजाय सफेद पैचेस आ रहे हैं, तो ज़हन में क्या आएगा? मेटल वाटर ब्लड यही था ना, हल्के हल्के वाइट पैचेस आ रहे हैं, तो बोन्स तो नहीं, मीन कि दिस इज समथिंग गोइंग ऑन वाइट। ये है पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ लंग्स कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कि इसमें फेफड़े के अंदर पानी आ गया। अब इसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि वंस पेशेंट बोले कि भाई डॉक्टर साहब मुझे तो बुखार था, मुझे बलगमी खांसी थी, सीने में दर्द था, तो ये फाइंडिंग्स किसकी हो गई? नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मगर लॉन्ग टर्म होगी नमूनिया, कैंसर, तो समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज लंग्स, कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के पांच साइंस ही होंगे, रूबर कॉलर, डॉलर कॉलर, फंक्शनल एसिया। तो एक साइन है जिसमें है एडिमा, स्वेलिंग, ट्यूमर। जब एडिमा होता है तो फ्लूइड स्पेसेस, तो यही है कि ये कुछ स्पेसेस हैं लंग्स की जहाँ पे ब्लैक शेडो की बजाय वाइट शेडो आ गया, और वाइट शेडो का मतलब है कि यहाँ पे वाटर कुछ हद तक एक्यूमुलेट हो रहा है, दिस इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर ये इन एंगल्स पे आता तो इन्फ्यूजन, जैसे इस ये एंगल बहुत तक क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा ब्लरिंग आ गई, ये एंगल क्लियर, मगर इस तरफ देखो एंगल कितना ज़्यादा ऑब्लिकेट हो रहा है, सही नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल वाइट शेडो है, मगर हल्की हल्की एयर नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेमेशन लंग के अपर जोन्स में है, मिडिल जोन्स में कुछ हद तक है, और लोअर जोन के लेफ्ट साइडेड पे जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर वो हार्ट का नहीं आ रहा, हार्ट का शेडो यहाँ के देखो, अगर हार्ट का शेडो इसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, इसको हम कार्डियोमेगैली कहते हैं, तो ये एंगल्स हल्के हल्के नीचे बनते हैं, इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, सही है। कार्डियोमेगैली में आपका शेडो यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि ये ए पी व्यू है, तो पेशेंट को ए पी व्यू देखो, ए पी व्यू ये वैसे दिखा दिया टेस्ट ए, उसमें इमेज जो बन गई, पेशेंट लेटा हुआ तो फैल गया दिल में, और अगर ये सीधा खड़ा होता और पीछे से लेता तो हाथ सुपड़ जाता, ठीक है, इस पे हम नहीं ले सकते। देर इज समथिंग एल्स इन गोइंग ऑन, कि यहाँ पे कुछ ऐसा हेजीनेस है जो कि हमें इंटरप्रेट सही नहीं कर रहा है, तो हम इसको कंफर्म करके ये नहीं कह सकते कि यस दिस इज नमूनिया, ये भी कोई पैच है, नो इट मे बी अ नमूनिया, ये आप हटा दें, अगर इट मे बी अ कार्डियोमेगैली, इट मे बी अ नमूनिया, समझे। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं, आपके डिफरेंशियल्स कम अज कम बनने चाहिए। स्टडी में कैसे करेंगे? चेस्ट एक्सरे, ए पी व्यू, एंड सेंटर से बाहर चले जाए या बाहर से अंदर चले जाए, ट्रेकिया इज सेंटर, मीडियास्टिनम इज समवॉट वाइड, हार्ड शेडो इज नॉर्मल, बट इफ इट इज पी ए व्यू इट कैन बी कॉल्ड एज कार्डियोमेगैली, टू थर्ड ऑफ द डायमीटर ऑफ हार्ट इज कार्डियोमेगैली, बूट शेप हार्ट ऐसे बूट शेप की हार्ट की नहीं है, टू थर्ड अगर हो जाए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सरे फिल्म है और इसका टू थर्ड हो जाए तो दिस इज कार्डियोमेगैली। सर ये जो लाइट मार्जिन हमें दिखने फिर वो नहीं दिखेंगे? हाँ ये लाइट बेसिकली वो जब आप देखेंगे ना एक से दो दफा जब टाइम पे आके जब नेट पे सर्च करोगे तो बाकी आपको पता चल जाएगा, अभी इस पर कन्फर्म नहीं कर सकते, पाँच से सात एक्सरेज देखते पड़ेंगे तब जाके पता चलेगा आपको कि कार्डियोमेगैली किसे कहते हैं। यस, चेस्ट एक्सरे, ए पी व्यू, ट्रेकिया सेंट्रल, मीडियास्टिनम, समवॉट वाइड, हार्ट शेडो ऑलमोस्ट नॉर्मल, ए पी व्यू, ठीक है,
lungs are somewhat hazy. The upper zones of both lungs are hazy. The right middle zone is okay, and the left right lower zone of the lung is hazy. There is non-homogeneous opacity in the right apical area. There is some patchy shadows, the cloudiness in the both lower and middle zones of the left lung. सर आपने अभी बोला नॉन होमोजेनस ओपेसिटी, इसको इसके टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप अभी सुन के रिव्यू करता आ रहा हूँ। यस, द बोनी केज आर नॉर्मल ऑन बोथ साइड, देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी फ्रैक्चर, देयर इज नॉर्मल इंटरकॉस्टल स्पेसेस, क्लैविकल्स आर नॉर्मल एंड देयर आर नो अदर चेस्ट डिफॉर्मिटीज, वर्टिकल कॉलम डिफॉर्मिटीज एंड देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ सबक्यूटेनियस सॉफ्ट। ये आपका हो गया पूरा चेस्ट एक्सरे की रीडिंग।